परम पूज्य संत उमाकांत जी महाराज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये भाषावाद, जातिवाद, कौमवाद और एरियावाद से सब नाश करने वाली चीजें हैं। आप लोगों को समझाओ कि अगर लोग इसको बढ़ावा देंगे तो ये नाश करेगा। आप आदमी से घृणा क्यों करते हो? अगर आप आदमी से घृणा करते हो तो उस मालिक का हुक्म नहीं मानते हो जिसे आप खुदा भगवान कहते हो। उसने तो कोई जात पात नहीं बनाई, उसने तो अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया, उसने तो सबका आँख, नाक, कान, हाथ, पैर एक जैसे बनाए, खाने पीने की चीज़ें बनाई, धरती आसमान एक जैसा बनाया। तो जब वो भेदभाव नहीं करता तो आप क्यों करते हो? महाराज जी ने आह्वान किया, अगर इस इमरजेंसी के समय में भी भेदभाव हुआ, जब सबकी जान को खतरा है, कभी भी ये रोग किसी को भी हो जाए, किसी को भी छोड़ नहीं सकता। आप ये समझो, कर्मों की सज़ा किसी को भी मिल सकती है, ये सत्य है। तो आप इस चीज़ को ख़त्म करो। आप ये समझो कि इस समय तिफरकेबाजी को ख़त्म करो। आपको तो लगने की ज़रूरत है किसी काम में। सब में उस मालिक की रूह है, और अगर मालिक से प्रेम करते हो, खुदा भगवान से प्यार करते हो, तो सबसे प्यार करो। तिफरकेबाजी ख़त्म कर दो। महाराज जी ने बताया कि अगर इसी तरह से आप भारत के लोग तिकरेबाजी बढ़ाते रहेंगे तो भारत का नाम कैसे हो पाएगा? इस वक्त तो आपको भारतवासी बनना है, ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना सिख बनना है, ना ईसाई बनना है। आपको अपनी प्रेस्टिज बनानी है। जब आप डॉक्टरों पर हमला करोगे, सफाई कर्मचारियों पर हमला करोगे, पुलिस वालों पर हमला करोगे, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? ये तो सब रक्षक हैं। सफाई कर्मचारी सफाई ना करें तो गंदगी बढ़ जाएगी, सिपाही सबकी रक्षा करे, डॉक्टर जान ना बचाए, तो इसका मतलब आप हथेली पर मौत को रखे हुए हो। कभी भी मौत आ जाए, आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए आपको तिफरकेबाजी भूल जाना चाहिए। इस समय तिफरकेबाजी भूलकर आप जितना कर सको इंसान समझ करके, इंसान के अंदर खुदा भगवान समझ करके उसकी मदद करो। देखो प्रेमियों, ये जो जातिवाद है और ये जो कौमवाद है और जो एरियावाद है और भाषावाद है, यह नाश करने वाली चीज़ है। इसको अगर बढ़ावा देंगे लोग, समझाओ लोग, इसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो यह नाश करेगा। आदमी से घृणा क्यों करते हो? आप में समझो, अगर आदमी से घृणा करते हो तो समझ लो कि आप उस मालिक के हुक्म को नहीं मानते हो, जिसको खुदा भगवान कहते हो उसके हुक्म को नहीं मानते हो, खाली उसको मानते हो लेकिन उसकी नहीं मानते हो। उसने तो कोई जात पात नहीं बनाया, उसने तो कोई भेदभाव अपनी तरफ से नहीं किया, उसने तो देखो सबका खून एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, सबका आँख कान मुँह बनाया, और खाने पीने की चीज़ें सबके लिए एक बनाई, धरती आसमान बनाया, उसने ये भेदभाव नहीं किया तो आप क्यों भेदभाव करते हो? आपको भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भेदभाव इस समय पर भी इमरजेंसी में भी हुआ, जब सबके जान का खतरा है, कभी भी ये रोग किसी को भी हो जाए, छोड़ नहीं सकता, आप ये समझो कर्मों की सज़ा किसी को भी मिल सकती है। सत्य है ये, सार्वभौमिक सत्य जिसको कहा गया, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहा गया, वो है। तो आप जो है यानी इस चीज़ को ख़त्म करो। आप ये समझो कि ऐसे समय में कि फरकेबाजी को ख़त्म करो, आपको तो लगने की ज़रूरत है किस काम में, कि सब में उस मालिक की रूह है, और अगर मालिक से प्यार करते हो, अगर खुदा भगवान से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो सबसे प्रेम करो, तिफरकेबाजी ख़त्म करो। और इसी तरह से अगर तिफरकेबाजी आप हिंदुस्तान के लोग, आप भारत के लोग अगर बढ़ाते रहोगे तो भारत का नाम कैसे हो पाएगा? इस वक्त तो आपको भारतवासी बनना है, न कि हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, न कि ईसाई और सिख बनना है, न कि आपको अपनी प्रेस्टीज बनानी है। तो जब आप डॉक्टरों के ऊपर हमला करोगे, सफाई कर्मचारियों के ऊपर हमला करोगे, जब आप यानी पुलिस वालों पर हमला करोगे, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? ये तो सब रक्षक ही हैं। सफाई कर्मचारी अगर गंदगी को न साफ करें तो वही गंदगी और बीमारी को बढ़ा देगी। और आप ये समझो कि ये रक्षक जो सिपाही कर्मचारी हैं, ये रक्षक, ये अगर आपकी रक्षा न करें, डॉक्टर जान न बचाए रक्षा न करें, तो फिर इसका मतलब आप हथेली पर मौत को रखे हुए हो। कभी भी मौत आ जाए, आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए
आपको तिफरकेबाजी भूल जाना चाहिए। तिफरकेबाजी भूल करके और इस समय पर जो जितना कर सको आप इंसान समझ करके और इंसान के अंदर भगवान खुदा समझ करके उसकी मदद करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।